जय श्री कल्कि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म युद्ध में एक धर्म संकट आज पवित्र आत्माओं के सामने, भक्तों के सामने आ गया है। और वो इस उलझन में है कि जितने असुर गण हैं वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उन्नति करते चले जा रहे हैं, और जितनी पवित्र आत्माएं हैं, जितने नेक ईमानदार अच्छे लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर भी चल रहे हैं, तो भी उनके जीवन में क्यों है मुसीबतों का पहाड़। आज इसी डाउट को क्लियर करेगा मेरा वीडियो। अगर पापियों की संख्या बढ़ेगी नहीं, अगर पाप धरा पर बढ़ेगा नहीं, अगर पापी जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो फिर पापियों का अत्याचार होगा नहीं इस धरा पर। फिर विष्णु भगवान ने जो हर युग में जन्म लिया पापियों का संहार करने के लिए एवं युग परिवर्तन करने के लिए, फिर उनका कार्य कैसे पूर्ण होगा। आज के ज़माने में आप अपने जीवन को या अपने आसपास के लोगों के जीवन को यदि कंपैरिजन करते हैं, तो आप दुनिया में यही देखेंगे कि जो जितना धर्म के रास्ते पर चल रहा है, ईमानदारी के साथ बिना बेईमानी के अपना कार्य कर रहा है, जो बहुत सीधे साधे सच्चे लोग हैं, उनको अपनी लाइफ में उन्नति करने का अवसर नहीं प्राप्त होता और वो बहुत दुनिया वालों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो लोग टॉप में बैठे हुए हैं, उन्होंने न जाने कितने तरह के पाप और गलत कार्य किए, दूसरों को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन आज उनके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा है। आज यही प्रश्न सभी के मन में उठता है कि अगर भगवान कल्कि धरा पर हैं, तो फिर ये अत्याचार क्यों? क्यों इनोसेंट सोल्स मारे जा रहे हैं और जितने असुर गण हैं वो अभी तक उनकी रक्षा होती चली आ रही है, यानी वो बिल्कुल बचे हुए हैं। भले वो कैसी भी वाणी बोलें और कैसे भी कर्म करें, उनके पापों का खात्मा नहीं होता, जबकि सीधे साधे सच्चे लोगों का खात्मा धीरे धीरे करके होता चला जा रहा है। आखिर ये कैसा रहस्य है, भगवान कल्कि की ये कैसी लीला है जिसमें अच्छा परिवार उजड़ जा रहा है, लेकिन जो गलत सोच वाले लोग हैं उनका परिवार फल फूल रहा है। दरअसल जब जब श्री हरि ने जिस युग में जन्म लिया, तब उस युग की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उन्हें भी ढलना पड़ा, तभी असुरों का खात्मा हो सका। लेकिन हर युग में देव और असुर के बीच जब महासंग्राम हुआ, जीत भले देव की हुई, लेकिन असुर गण बहुत अंत में मारे गए, और हर समय असुरों को ही ज़्यादा बलशाली दिखलाया गया, और अंत में जब उनका खात्मा हुआ, तभी पृथ्वी माता उन कष्टों से मुक्त हो पाई जिनके लिए वो लगातार प्रयास करती चली आ रही हैं। आज भी जब हम लोग देखते हैं कि जो अच्छे इंसान हैं वो अपने जीवन में ठोकर खा रहे हैं, और जो बुरे इंसान हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने दूसरों को लूटने का कार्य किया, जिनकी भाषा खराब, लेकिन वो जीवन में तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं, तो मन कहीं खिन्नता से भर उठता है कि हे प्रभु, आखिर ये ना इंसाफी क्यों, ये अन्याय क्यों। भक्तगण जो कि पवित्र आत्माएं हैं, जो कि बहुत श्रद्धापूर्वक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके पास माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। लेकिन जो लोग गलत कार्य करते हैं, उनके पास बंगला, गाड़ी, ज़मीन, फ्लाइट में घूमना, सारे सुख सुविधा के साधन उनके पास मौजूद होते हैं। तो आज के समय में अगर आपके मन में भी ये संदेह है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो धर्म संकट है ये आगे भी बना रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में असुरों का ही बोलबाला होगा, और जो पवित्र अच्छी नेक आत्माएं हैं,
इसी प्रकार के धर्म संकट में फंसी रहेंगी धर्म युद्ध के दौरान, लेकिन अंत में जीत जो सत्य के रास्ते पर धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसे ही प्राप्त होगी। लेकिन सत्य का रास्ता पथरीला होता है, बहुत ठोकरें खानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन जीवन में देखने पड़ते हैं, लेकिन उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है जो लोग पाप के रास्ते पर अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। वैसे भी ये कलयुग है, अंतिम युग, तो यहाँ पर इस युग में अधर्म जो है बिल्कुल टॉप लेवल पर अभी भी नहीं पहुँचा, अभी तो और अधर्म की एंट्री होनी बाकी है, अधर्मियों की और ज़्यादा, अधर्म का जो बोलबाला है वो और ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान कल्कि का साथ भी मिल रहा है लोगों को, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इससे हम मुकर नहीं सकते कि भगवान कल्कि हमेशा भक्तों का साथ देंगे और जो धर्म के रास्ते पर चल रहा है उसका साथ देंगे। लेकिन उसके पहले, जैसा मैंने कहा, प्योर सोल्स को तैयार करवाया जा रहा है आने वाले धर्म युद्ध को लड़ने के लिए, ताकि आने वाले समय में चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या फिर कोई भी पॉलिटिकल डिज़ास्टर या मैन मेड डिज़ास्टर, लेकिन उसमें वो पवित्र आत्माएं सर्वाइव कर सकें, स्ट्रगल कर सकें, हार ना माने, अपनी विल पावर को कम ना होने दें। इसलिए अभी से ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत भगवान कल्कि के द्वारा उन आत्माओं की तैयारी चल रही है, जिसमें पहले तो उन्हें बहुत ठोक बजाकर देखा जाएगा कि वो कितने मजबूत हैं, इसलिए उन्हें तकलीफ़ें भी सहन करनी होगी, लेकिन हार ना माने, कभी भी हार ना माने, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। यदि डर गए, भगवान कल्कि भी यदि कलि असुर से डर गए तो कैसे भला युग परिवर्तन करेंगे। इसलिए परशुराम ने भी उन्हें बहुत ठोक बजाकर ट्रेनिंग देकर ट्रेंड किया है, ताकि वो आने वाले समय का मुकाबला करके न सिर्फ खुद की रक्षा करें, बल्कि पृथ्वी माता की और पृथ्वी वासियों की, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनकी भी रक्षा इन असुरों के चंगुल से हो सके और वो कर पाएं। तो भगवान कल्कि के द्वारा पापियों का संहार अभी भी नहीं हो रहा है उस लेवल पर जिस लेवल पर होना चाहिए, और जो अच्छी आत्माएं हैं एक के बाद एक चलती चली जा रही हैं। लेकिन जब सूर्योदय होने वाला होता है उसके पहले सूर्यास्त का, रात का घना अंधेरा भी लोगों को सहन करना पड़ता है। तो सतयुग के सूर्योदय के पहले कलयुग में ये सूर्यास्त हो चुका है, और अब ये जो अंधेरा है ये जरा भयानक अंधेरा आगे और गहराता चले जाएगा। लेकिन इसमें न हार माननी है, न अपनी हिम्मत को तोड़ते हुए देखना है, बल्कि साहस के साथ, अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपने विल पावर के साथ आने वाले समय को, अच्छे समय को वेलकम करने के लिए और बुरे समय से छुटकारा पाने के लिए सनातन के रास्ते पर लगातार चलते रहना है। सनातन की रक्षा के लिए भगवान कल्कि के मिशन में न सिर्फ जुड़ना है, बल्कि अपना पूरा प्रयास और अपने नेक कर्म का सहयोग उसको देना है। तभी कल्कि सेना हम लोगों के सहयोग के साथ पृथ्वी को उस आतंकवादियों के, उग्रवादियों के अत्याचार से मुक्त करने में सफल होगी, जिसके लिए आज भगवान कल्कि धरा पर आए हैं। क्योंकि सतयुग में केवल भगवान कल्कि नहीं, वो तो चले जाएंगे, कलयुग का एंड, सतयुग का आगमन, उनकी ड्यूटी खत्म, फिर से साइकिल स्टार्ट होगा, लेकिन जो पृथ्वीवासी रहेंगे उनके लिए इस पृथ्वी को तैयार करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गली, जिसमें पॉल्यूशन ना हो, जिसमें मारकाट ना हो, जिसमें क्राइम ना हो, जिसमें करप्शन ना हो। इसलिए अभी एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ऑलरेडी वो मैं अब देख पा रही हूँ, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया, इस चक्कर में ना पड़ के यदि खुद की तरफ थोड़ा सा हर इंसान ही ध्यान दे
तो आज दुनिया में जो युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है बहुत सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो जैसा मैंने क्लियर किया क्यों भगवान कल्कि अभी भी पापियों को खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक सही समय आया नहीं है, दूसरी बात वो पापियों के पाप को और बढ़ाएंगे ताकि उनके अपने मिशन को खत्म करने में पूर्ण करने में उन्हें आसानी हो, क्योंकि राम जी ने भी रावण का वध करने के पहले समय लिया था, कृष्ण ने भी कौरवों को हराने के पहले समय लिया था। तो भगवान कल्कि अंतिम युग है और असुरों की संख्या इतनी ज़्यादा, तो उनको भी खत्म करने के लिए इसलिए भगवान कल्कि अभी समय ले रहे हैं। लेकिन उसके बीच जो समय का उठापटक खेल चल रहा है उसे समझते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए ज़िंदगी में बिना किसी शिकायत के भगवान के आगे बढ़ते जाइए। अपने आप भगवान का आशीर्वाद और प्रोटेक्टिव शील्ड जो मैं हमेशा कहती हूँ अपने लिए, उसका जुगाड़ कर लीजिए। डेफिनेटली यदि आप ईश्वर से जुड़ेंगे तो भगवान कल्कि के द्वारा वो प्रोटेक्टिव शील्ड बिन मांगे ही आपको मिल जाएगी आशीर्वाद के रूप में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।